नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारत के बीके सुरेंद्र और नेपाल के बीके परनीता को द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस और सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट का सम्मान। नेपालगढ़ के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कृष्ण चंद्र पोखरेल नेपाली ने किया प्रदान। हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय स्तरीय कवि सम्मेलन, सीएम प्रतिनिधि और मशहूर गायक गजेंद्र फोगाट ने की शिरकत। कल्पतरु परियोजना के तहत जारी है देश भर में वृक्षारोपण, प्रकृति के संरक्षण का प्रयास। यूएसए के स्प्रिंगफील्ड शहर में मशहूर नेशनल एवेन्यू क्रिश्चियन चर्च में ब्रह्म कुमारी द्वारा वर्कशॉप। बीके प्रिया ने स्ट्रेस मैनेजमेंट की दी टिप्स। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्म कुमारीज में पश्चिम नेपाल और भारत के बनारस क्षेत्र की प्रभारी बीके सुरेंद्र और नेपाल की प्रभारी बीके परनीता को मूलनिष्ठ समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए नेपालगढ़ के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कृष्ण चंद्र पोखरेल नेपाली द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस एवं सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट सम्मान से सम्मानित किया। बीके सुरेंद्र और बीके परनीता को यह सम्मान लंदन की संस्था द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दिया, जिसका सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री कृष्ण चंद्र पोखरेल नेपाली ने ब्रह्म कुमारी पोखरा सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में बीके सुरेंद्र और बीके परनीता को प्रदान किया। इस दौरान द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भारत के राष्ट्रीय सचिव बीके डॉक्टर दीपक हरके भी मौजूद रहे। करनाल के सेक्टर 7 स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर राष्ट्रीय स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम पर आयोजित हुए इस कवि सम्मेलन में हरियाणा के मशहूर गायक गजेंद्र फोगाट ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसके अलावा कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके दयाल, मुख्यालय संयोजक बीके सतीश, करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, कवि भारत भूषण, कवियत्री एकता डांग, कवि सागर सूद भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन का शुभारंभ संदेशात्मक कविताओं द्वारा हुआ। उसके पश्चात बीके दयाल, बीके सतीश और बीके प्रेम ने सभा को संबोधित करते हुए कला एवं संस्कृति में आध्यात्म की समावेशता के लिए प्रेरित किया, ताकि भारत को स्वर्णिम भारत बना सके। परिवर्तन की आई बेला, बच्चों बात बुला लो तुम, आया हूँ मैं आज धरा पर, थोड़ा समय निकालो। और यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं, भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं, भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं। असम के डिब्रूगढ़ में संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश के पहुंचने पर डीपीएस डिब्रूगढ़, शिक्षा वैली स्कूल, रेलवे वर्कशॉप, हुंडई शोरूम, मेडिकल स्टूडेंट्स हॉस्टल और डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र में वर्कशॉप्स का आयोजन हुआ, जिसमें बीके सुरेश ने सेफ्टी रूल्स और ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स जैसे विषयों पर चर्चा की। ये सभी कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत राष्ट्रीय अभियान के तहत और डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिनीता के सहयोग से आयोजित हुई। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में साइबन में मधुबन बीके पाठशाला द्वारा बच्चों के लिए हंसते खेलते राजयोगा मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 3 दिवसीय रहा, जिसमें 74 बच्चों ने उमंग उत्साह से भाग लिया। इस शिविर का उद्घाटन टीवी एक्टर मोहिनी राजगढ़ के, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभवी वंजारे, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, साइबर में मधुबन बीके पाठशाला की संचालिका डॉक्टर सुधा कांकरिया की मौजूदगी में संपन्न हुआ। शिविर में भाग लेने आए बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे और राजयोग मेडिटेशन का लाभ लिया। शिविर के अंत में कई अभिभावक और बच्चों ने अपने सुंदर अनुभव भी सुनाए। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ केयर विषय पर एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजित हुई,
जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मेडिकल असिस्मेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बी एन गंगाधर, ओआरसी के निदेशक अभी के आशा उपस्थित रहे और चिकित्सकों का मार्गदर्शन किया। फिजिकल यस, यू आर गोइंग टू चेज वन ब्लड टेस्ट, एन ईसीजी और एन एमआरआई और एन एक्सरे एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कैन शो समथिंग इज देयर एंड यू नो यू रिमूव दैट, यस दैट्स इट, आई हैव डन माय बेस्ट एंड नथिंग एल्स। बट व्हाइल we can demonstrate these things in physical diseases, we have nothing to demonstrate that in mental disease. Irritating mood mein aap na aaye uske liye ye meditation ka jo abhyas abhi aap kar rahe the ye aapke liye bahut 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 laabhdayak hai। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा गन कैरिज फैक्ट्री में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े कर्नल बी के विकास और बी के लीजा ने सेल्फ मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले थॉट मैनेजमेंट की बात कही। इसके बाद उन्होंने राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए कहा कि राजयोग के अभ्यास से थॉट मैनेजमेंट काफी आसान हो जाता है। इस वर्कशॉप में ब्रिगेडियर बिमलेंदु महापात्र मुख्य रूप से मौजूद रहे। ऐसे लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा आवास विकास परिषद कार्यालय में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें राजयोग शिक्षिका बी के स्वर्ण लता ने तनाव मुक्त रहने के लिए राजयोग मेडिटेशन को कारगर बताया। इसी प्रकार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित आईटीबीपी कैंपस पर संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रभाग के कार्यकारी सदस्य नेवी कमांडर शिव सिंह, कर्नल बीसी सती, प्रोफेसर ईवी गिरीश, बीके दीपक, बीके विनीता ने सेना के जवानों को तनाव मुक्त रहने की युक्तियां बताई। इस प्रोग्राम का 60 जवानों और 40 आम नागरिकों ने लाभ लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लॉन्च किए गए कल्पतरु परियोजना के तहत पूरे देश भर में वृक्षारोपण किया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी संस्था ने 75 दिनों में 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते देश भर में जागरूकता और वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं उसकी झलकियां। सबसे पहली खबर मुंबई के बोरीवली स्थित प्रभु उपवन भवन की है, जहां सब जोन प्रभारी बी के दिव्य प्रभा, पर्यावरण वेद समायरा अब्दुल्लाली, नुसरत खत्री, अफजल खत्री, बोरीवली सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल आवाहाट की उपस्थिति में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौधा हर कोई लगाएगा, पानी हर कोई उसको देगा, लेकिन पानी देने वाले की पौधे के प्रति भावना, उनकी नेचर, उनके जीवन की वैल्यू का असर उस पौधे पर, उस पशु पर अवश्य पड़ता है। जगह छोटी है, तुलसी का पेड़ लगाए जो 24 घंटे हमारे लिए काम करता है, ऑक्सीजन देता है। पिंपल का पेड़ होना चाहिए, वट वृक्ष सबको प्यारा होता है, उसको जगह ज़्यादा लगती है। तो सिचुएशन के अनुसार हमारे वृक्ष होने चाहिए। कार्यक्रम के पश्चात सभी ने मिलकर 75 तुलसी के पौधे लगाए। आज इस छोटे से पौधे को ऐसे महाराष्ट्र के कामठी, पंढरपुर, पुणे, सांगली, सतना और तुमसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर। इसी तरह दिल्ली के दिलशाद गार्डन, शालीमार बाग, इंद्रपुरी, मालवी नगर, नरेला मंडी, द्वारका में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब देखिए उड़ीसा के भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, कटक,
और बंद बहल की तस्वीरें, जहां जागरूकता कार्यक्रम और वृक्षारोपण का आयोजन हुआ। स्वर्ग धरा पर लाएंगे हम देवी राज सजाएंगे हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे 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 हम स्वर्ग। ऐसे तेलंगाना के सिकंदराबाद, वारंगल और खम्मम में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। अब देखिए मध्य प्रदेश के खजुराहो, छतरपुर, चंदला, ग्वालियर और पन्ना की तस्वीरें। इसी तरह बिहार के गया, समस्तीपुर, सहरसा और मुंगेर में भी वृक्षारोपण किया गया। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने। अब देखिए तस्वीरें यूपी के बंधायू, सारनाथ, वाराणसी और गाजियाबाद के वसुंधरा की, जहां वृक्षारोपण, साइकिल रैली और पब्लिक प्रोग्राम द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। ऐसे ही हरियाणा के करनाल, जींद, गुरुग्राम, सफीदो और सोनीपत में भी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। श्री लक्ष्मी होगी, नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी, हीरों से आकाश भरा, अब देखिए राजस्थान की खबरें, जहां बीकानेर में सादुलगंज सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति मंत्री अर्जुन मेघवाल पहुंचे और पौधारोपण भी किया। ऐसे ही बालोतरा, जोधपुर के सरदारपुर और तीवरी में वृक्षारोपण हुआ। इसी प्रकार गुजरात में राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में राजकोट के महाराजा ठाकुर साहब श्री मांदता सिंह जी भी शामिल हुए और इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के लिए अवधपुरी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रेखा का धन्यवाद करते हुए पौधारोपण किया। इसी क्रम में अटलादरा, मेहसाणा, नवसारी के मरोली और विरम गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत का सितारा विश्व बाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब अंत में देखिए तस्वीरें नेपाल के बीरगंज, कर्नाटक के बेंगलुरु, पंजाब के तपा, छत्तीसगढ़ के बालोद और महेंद्रगढ़, असम के गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, गोवा और अरुणाचल प्रदेश की, जहाँ जागरूकता कार्यक्रम के साथ वृक्षारोपण किया गया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूएस मिसौरी के तीसरे सबसे बड़े शहर स्प्रिंगफील्ड में ब्रह्मकुमारीज द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसे 50 से अधिक लोगों ने अटेंड किया। स्प्रिंगफील्ड के मशहूर नेशनल एवेन्यू क्रिश्चियन चर्च में आयोजित इस वर्कशॉप में सेंट लुइस सेंटर की कोऑर्डिनेटर बीके प्रिया ने राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए रोजाना कुछ देर प्रैक्टिस करने का सुझाव दिया। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@bollywoodstudio.org पर मेल करें।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेते हुए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।